अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ 5 क्लास, हाउ आर यू? होप सो सब ठीक होंगे। ओके, लास्ट वीडियो में हमने की थी एक्सरसाइज 1C और अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1C की वर्ड प्रॉब्लम्स। ओके, वर्ड प्रॉब्लम क्योंकि एक्सरसाइज हमारी अबाउट मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑपरेशन थी, सो ये वर्ड प्रॉब्लम भी उन्हीं ऑपरेशंस के ही अकॉर्डिंग है। ठीक है, अभी तक जो आप वर्ड प्रॉब्लम करके आ रहे थे उसमें कुछ स्पेसिफिक वर्ड यूज़र होते हैं जिससे हमें पता चल जाता है कि इसमें मल्टीप्लाई करना है डिवीजन करनी है। यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट थोड़ी सी कम्प्लेक्स है तो यहाँ पे हमें उनको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि हमने कौन सा ऑपरेशन उनमें अप्लाई करना है। ठीक है, ओके चलिए जी स्टार्ट करते हैं। सॉल्व द प्रॉब्लम्स राइटिंग कम्प्लीट स्टेटमेंट्स, आपने इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है और इनकी स्टेटमेंट्स को भी आपने स्टेटमेंट भी राइट करनी है साथ। ठीक है, स्टेटमेंट अगर आप राइट नहीं करेंगे तो आपके मार्क्स डिडक्ट होंगे। ठीक है, अच्छा बिफोर स्टार्टिंग क्वेश्चन नंबर 1, आप स्पेस नंबर है आपका ये 16। ठीक है, पेज नंबर 16 पे आप डे टू डे मेंशन कर लें, देन आप स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 और आप अपनी बुक्स भी आप अपने सामने ओपन करके रख लें। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास क्या है, जम्बू फैंसी स्टोर वांट टू प्लेस एन ऑर्डर फॉर कैंडल्स। ठीक है, एक जम्बू फैंसी स्टोर है और वो एक कैंडल्स के लिए ऑर्डर प्लेस करना चाह रहा है। ठीक है, इफ़ वन बॉक्स कंटेन्स 144 कैंडल्स, अब वो क्या कह रहे हैं कि एक बॉक्स है उसमें 144 कैंडल्स हैं, हाउ मैनी बॉक्सेस मस्ट द शॉप ऑर्डर फॉर अ स्टेक ऑफ 100,080 कैंडल्स। ठीक है, अब उसको कितने बॉक्सेस चाहिए होंगे जिसमें इतनी कैंडल्स हों। हमारे पास वन बॉक्स की कैंडल्स, हमें पता है कि वन बॉक्स में इतनी कैंडल्स हैं, अब हमने नंबर ऑफ़ बॉक्सेस फाइंड करने हैं, हमें कैंडल्स पता है कि उसमें कैंडल्स इतनी होनी चाहिए, तो नंबर ऑफ़ बॉक्सेस तो ऑब्वियसली कम होंगे क्योंकि एक बॉक्स में तो 144 कैंडल्स हैं। तो यहाँ पे हम करेंगे क्या, यहाँ पे डिवीजन का ऑपरेशन करेंगे। ठीक है, जब हम इन नंबर ऑफ़ कैंडल्स को एक बॉक्स की कैंडल से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो भी आंसर आएगा उतने बॉक्सेस हमें रिक्वायर्ड होंगे। ठीक है, ओके अब इसके सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। वन बॉक्स कंटेन कैंडल्स, वन बॉक्स में हमारे पास कितनी कैंडल्स थी, 144। शॉप ऑर्डर फॉर अ स्टॉक ऑफ कैंडल्स, ठीक है कितना उसने ऑर्डर करना है, उसने इतना कैंडल का स्टॉक ऑर्डर करना है 100,080। ठीक है, अब हमें नंबर ऑफ़ बॉक्स पता करने के, कितने नंबर ऑफ़ बॉक्स में इतनी कैंडल्स होंगी, तो अगर हम इन होल टोटल कैंडल्स को वन बॉक्स की कैंडल से डिवाइड कर देते हैं तो जो भी आंसर हमारे पास आएगा वो हमारे पास क्या होंगे, नंबर ऑफ़ बॉक्सेस होंगे। ठीक है, तो इसमें डिवीजन हमने करनी है, हमने जिस उस शॉप ने ऑर्डर करनी है कैंडल्स, एक पूरा स्टॉक ऑर्डर करना है, उसको डिवाइड कर दिया 144 से। ठीक है, हमने 144 डिवीजन आपको आती है, मैं इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ, फिर भी 144 को हमने जब मल्टीप्लिकेशन करके चेक किया 2 से 3 से 5 से 6 से, ठीक है आपके पास क्या नंबर था, 100 तो पॉसिबल नहीं था, तो हमने 1000 कंसीडर किया, 1000 के इक्वल या लेस होना चाहिए था, तो 144 सिक्स टाइम मेरे पास आया 864। ठीक है, हमने इसको सब्ट्रैक्ट किया, मेरे पास 136 आ गया, 8 को हम ब्रॉड फॉरवर्ड लेके गए, ठीक है नेक्स्ट 8 को यहाँ लेके आए, देन 144 9 टाइम हमारे पास हुआ, 1296 सब्ट्रैक्ट किया 72 आ गया 0, एंड 144 5 टाइम इज 72। ठीक है, फुल डिवीजन होगी, एंड होगी डिवीजन, क्या आंसर हमारे पास आया 695, तो इट्स मीन कि हमारे पास 695 बॉक्सेस हमें रिक्वायर्ड है। या आपको क्वेश्चन को थोड़ा सा समझना पड़ेगा तो देन ही आपको पता चलेगा कि आपने इसमें डिवाइड करना है या मल्टीप्लाई करना है। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, द गवर्नमेंट वांट्स टू बिल्ड न्यू होम्स फॉर 8,382 होमलेस फैमिलीज। ठीक है, गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट न्यू होम्स बिल्ड करना चाह रही है, ठीक है जो होमलेस फैमिलीज हैं उनके लिए, और कितनी होमलेस फैमिलीज हैं, 382। ठीक है, इफ़ ईच होम कॉस्ट ₹400,960, अगर एक होम की कॉस्ट हमें ये गिवन है कि एक होम की कॉस्ट इतनी है, देन हाउ मच विल द प्रोजेक्ट कॉस्ट ऑल टुगेदर। अब हमने ऑल टुगेदर सारी की सारी कॉस्ट फाइंड करनी, ठीक है हमें अगर एक हाउस की कॉस्ट पता है और हमने 382 हाउसेस बनाने हैं, ठीक है इतनी होमलेस फैमिलीज हैं, मीन इतने हाउसेस गवर्नमेंट ने बिल्ड करने हैं, तो अगर हम नंबर ऑफ़ हाउसेस को एक हाउस की कॉस्ट के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास ऑल टुगेदर जो है टोटल कॉस्ट, जब भी हमने टोटल चीज़ फाइंड करनी होती है ना तो हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है,
तो हमने जब टोटल कॉस्ट फाइंड करनी है तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो इसमें मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन चल रहा है। इसके सोल्यूशन को देख लेते हैं। ओके जी, क्वेश्चन नंबर टू का सोल्यूशन हमारे पास क्या है। हमारे पास होमलेस फैमिलीज हैं 382 और ईच होम की कॉस्ट हमें गिवन थी 400,960। हाउ मच द प्रोजेक्ट कॉस्ट ऑल टुगेदर, हमने वो फाइंड करनी है। हमने क्या किया, हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, ईच होम की कॉस्ट को होमलेस फैमिलीज के साथ, ठीक है। अब मल्टीप्लाई हमने कैसे किया, मल्टीप्लिकेशन आपको आती है, सारे ऑपरेशंस आपने किए हुए हैं ऑलरेडी, ठीक है। टू को पहले हमने सबके साथ मल्टीप्लाई किया, 2 × 0 6 2 टाइम इज 12 आ गया, 1 हमारे पास कैरी आ गया, 9 2 टाइम इज 18 प्लस 1 19, 1 कैरी गया, 2 × 0 0 1 आ गया, 2 × 0 0 2 × 4 इज 8। इस तरह हमने सारी मल्टीप्लिकेशन की और एंड में इन सारे नंबर्स को ऐड किया, ठीक है। ये आप में डीपली एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर रही, आपको मल्टीप्लिकेशन डिवीजन आती है, आप खुद प्रैक्टिस करेंगे, अपने हैंड से करेंगे तो आपको इजीली समझ आ जाएगी। और ये मैं इनका सोल्यूशन भी आपके साथ शेयर कर दूँगी। 0, 2 × 2 and 0 को ऐड करेंगे तो 2 आ जाएगा, देन 7, 6, 6, 1, 3, 5, 1, ठीक है। तो हमारे पास टोटल कॉस्ट क्या आ गई है, 153,166,720 इज द टोटल कॉस्ट, ठीक है, विच इज़ द आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 हमारा डन हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 ठीक है आप खुद सॉल्व करेंगे। अभी हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। कुछ क्वेश्चंस मैं सॉल्व करी हूँ और कुछ जो रिमेनिंग क्वेश्चंस होंगे वो आपने खुद सॉल्व करने हैं, खुद प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। सुपर पॉप पोटैटो फैक्ट्री इम्प्लाइज 267 पीपल, ठीक है। एक हमारे पास फैक्ट्री है पोटैटो चिप्स की, एक सुपर पॉप कंपनी है, फैक्ट्री है, वो इम्प्लॉय करिए 267 पीपल्स को, मीन 267 पीपल्स इम्प्लॉयज हैं इस फैक्ट्री में, ठीक है। ओके, इफ़ ईच वर्कर रिसीव ₹23,2384 एज वेजेस एवरी मंथ, ठीक है, हर वर्कर को वो वेजेस दे रहे होते हैं एवरी मंथ इतने, व्हाट इज़ द टोटल वेज बिल फॉर 1 मंथ। अब टोटल सारे एम्प्लॉयज को जो है वो दे रहे हैं वेजेस, टोटल 1 मंथ का कितना बिल आएगा उनके वेजेस का सिर्फ, और फॉर होल द ईयर कितना आएगा, ठीक है, वेजेस का। इट्स मीन कि हमें नंबर ऑफ एम्प्लॉयज पता है, ठीक है, और एक मंथ की हमें वेज पता है, हमने फॉर द एक एम्प्लॉय का हमें वेज पता है कि एक वर्कर इतना रिसीव कर रहा है। हमने सारे वर्कर्स के लिए फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 1 मंथ के लिए हम फाइंड करेंगे तो जब मल्टीप्लाई कर देंगे वो 1 मंथ के लिए आ जाएगा, जब फॉर द होल ईयर फाइंड करेंगे तो हमें पता है कि एक ईयर में हमारे पास 12 मंथ्स होते हैं, तो हम जो भी आंसर होगा उसको 12 से मल्टीप्लाई देन करेंगे, ठीक है, तो हमारा होल ईयर के लिए आ जाएगा, ठीक है। इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं अब। ओके, एम्प्लॉयज ऑफ चिप फैक्ट्री हमारे पास क्या थे, 267 थे, ठीक है। ईच रिसीव वर्कर एवरी मंथ वेज, एवरी मंथ वेज एक वर्कर को कितना मिल रहा है, 2,384 मिल रहा है। व्हाट इज़ द टोटल वेज बिल फॉर 1 मंथ हमने फाइंड करना है एंड फॉर द होल ईयर फाइंड करना है। 1 मंथ के लिए मैंने आपको बताया था कि हम क्या करेंगे कि नंबर ऑफ एम्प्लॉयज को जो भी हमें रुपीज़ पता है वेज के उसे मल्टीप्लाई करेंगे। हमने जब मल्टीप्लाई किया, अब मल्टीप्लिकेशन कैसी हो रही है, 7 × 4 = 28 8 आ गया, 2 यहाँ पे कैरी आएगा, ठीक है, 7 × 8 = 56 56 + 2 = 58 8 5 कैरी जाएगा, ठीक है, 7 × 3 = 21 21 1 + 5 = 6। सिमिलरली ये सारा प्रोसेस आपको पता है मल्टीप्लिकेशन किस तरह से हो रही है। जब हमने दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये आंसर आ गया, तो ये हमारे पास क्या आ गया, मंथली वेज बिल का आंसर, ठीक है, 636,528। अब हमने जो सेकेंडली फाइंड करना था फॉर द होल ईयर करना था, ठीक है, फॉर द होल ईयर करने के लिए हम वी नो दैट कि 1 ईयर में हमारे पास 12 मंथ्स होते हैं। अब ये जो मंथली वेज बिल आया है इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से, जब हमने 12 के साथ मल्टीप्लाई किया तो जो भी आंसर होगा वो हमारे पास टोटल वेज फॉर द होल ईयर होगा, ठीक है, जो हमारे पास क्या आ रहा है, 7,638,336, ठीक है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 ठीक है एंड 9, ये आप खुद सॉल्व करेंगे, खुद अंडरस्टैंड करेंगे और खुद इनको ट्राई कीजिएगा सॉल्व करने के लिए। डिफ़िकल्ट नहीं है, जिसके यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का
ऑपरेशन अप्लाई होगा, सिर्फ आप अगर आपको स्टेटमेंट अंडरस्टैंड आप कर सकते हैं इजीली, आपको समझ आ जाती है तो आगे डिफ़िकल्ट नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। अ स्टूडेंट पेज रुपीज़ 123,000 एनुअली टू द स्कूल, ठीक है। एनुअली मीन कि हर साल वो इतने स्टूडेंट जब वो पे करता है स्कूल को। हाउ मच डज ही पे मंथली, हमें एनुअली पता है, ईयरली पता है, हमने मंथली फाइंड करनी है, ठीक है। और हमें पता है कि एक ईयर में 12 मंथ्स होते हैं, तो हम इसको जब 12 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो भी आएगा अमाउंट आएगी वो हमारे पास क्या होगी, मंथली होगी। ओके स्टूडेंट्स, इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। स्टूडेंट्स पेस एनुअली हमारे पास अमाउंट इतनी है, हाउ मच ही पेस मंथली, मंथली हमने फाइंड करनी है। हम इस अमाउंट को वी नो दैट कि इन ईयर देर आर 12 मंथ्स, 12 से डिवाइड कर देंगे, 12 से हमने डिवाइड किया, 12 10 टाइम इज़ 123, ठीक है। फिर आगे नेक्स्ट जीरो को प्रोड फॉरवर्ड लेगी कि 12 2 टाइम इज़ 24, देन 6 हमारे पास सब्ट्रैक्ट करने से आया, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन चल रहा है, देन 12 5 टाइम इज 60, और इस जीरो को हम क्वेश्चन में शिफ्ट कर दिया हमने। तो ये जो हमारे पास अमाउंट आई है, ये हमारे पास मंथली पेमेंट की अमाउंट आई है, ठीक है। जस्ट हमने क्या करना था, सिंपल डिवीजन प्रोसेस करा था, डिवाइड करना था। ओके नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। इफ अ पर्सन हैज़ 25 शॉप्स, ईच वर्थ इज 6,055,000, देन व्हाट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ दीज शॉप्स, ठीक है। एक पर्सन के पास 25 शॉप्स हैं और ईच की जो वर्थ है, वैल्यू है, वो इतनी है, देन व्हाट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ दीज शॉप्स। तो फिर टोटल कॉस्ट ऑफ दीज शॉप्स क्या होगी, एक की हमें कॉस्ट पता है, हमने 25 की फाइंड करनी है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। रेट्री वाटर यूज है कि एक की वैल्यू अगर आपको पता होती है तो आपने 25 की फाइंड करनी, तो आप मल्टीप्लाई कर लेंगे। जैसे अगर मैं कहूँगी वन पेंसिल हमारे पास अगर 5 रुपीज की है, तो मैं 3 पेंसिल्स की फाइंड करूँगी, तो 5 3 टाइम इज 15, ठीक है, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे। सिमिलरली यहाँ पे भी इसी तरह से यही ऑपरेशन हो रहा है। चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं। ओके अ पर्सन हैज शॉप्स, पर्सन की क्लास की थी शॉप्स 25, ई शॉप्स वर्थ या कॉस्ट हमारे पास क्या थी, 6,055,000, ठीक है, 655,000 थी, सॉरी। अब हमने टोटल कॉस्ट ऑफ शॉप फाइंड करनी है, तो हम इस अमाउंट को कॉस्ट को टोटल को कॉस्ट को मल्टीप्लाई करेंगे 25 से, ठीक है। इस शॉप की कॉस्ट जब हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आ गया 16,375,000, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गई टोटल कॉस्ट ऑफ द शॉप्स। जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं, हमने क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किया, 2 को सॉल्व किया, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व किया और 10 और 11 को किया। अब जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो आपने खुद सॉल्व करने हैं, ठीक है। इट्स योर होमवर्क। ओके टेक केयर।